ओके, तो आज का ये सेशन है टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड टू डिस्कस द री एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज टॉपिक्स विच वर अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, या कोई बात ऐसी जो डाउट हो उसको एड्रेस करेंगे हम. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द चैप्टर फॉर से 30 seconds और अ मिनट. देखिए एक बार जल्दी से, कुछ टिक मार्क हो, कोई टर्म हो तो उसको हम लोग डिस्कस करें, एंड आफ्टर दैट रेज योर हैंड. अंजलि यादव, अंजलि 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 बेटा ये बताओ, लगभग रोज मैं देखता हूं तुम्हारा ध्यान क्लास को छोड़ के घर में अगली बगल, इसका रीजन क्या? मतलब भैया और तुम रोज बगल में बैठे क्लास करते? बेटा आवाज ठीक से नहीं आती अंजलि. सो आई नहीं है, बुलाई नहीं है. लिफ्ट योर फोन अप एंड स्पीक क्लियरली. नहीं तो बोल सी आ रही है, टीम सी आ रही है, किसे को लगा पापा. टाइम टू एड्रेस द डाउट्स. अंकित सिंह. यस सर. सर आई वांट टू आस्क दैट सर, लाइक यू सेड दैट द बैलियन इसका रीजन नहीं है. एक आप जैसे वर्ल्ड की जो कॉस्टलीस्ट कॉफी है, कॉफी आपको पता है बीन से आती है, ठीक है, जो वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट कॉफी है वो जिस फ्रूट से आती है उसको पहले कैट्स खाती है, और फिर कैट्स के पेट में डाइजेस्ट होकर वो प्रोसेस होती है, उनकी ड्रॉपिंग से बाहर आती है. सोचो कैट की ड्रॉपिंग से निकली हुई कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, लोग पैसा देकर उसे पीते, ठीक है. वो इट्स मतलब एक तरह से कह दो कि वो प्रोसेस होता है, इस फॉर्म में आ पाता है कि वो उसी तरह से जर्मिनेट ही करे. ओके सर. अंकित स्वेन. सर व्हाट इज अंडर स्टोरी? अंडर स्टोरी जैसे आपके घर में या आपके अपार्टमेंट में, आपकी बिल्डिंग में स्टोरीज होती है, कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो हम लोग फ्लोर भी कहते हैं. प्लस इसके लिए एक वर्ड और होता है स्टोरी, STORY, कहानी वाला स्टोरी नहीं, ये दूसरा स्टोरी. तो अंडर स्टोरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर समझ लो फॉरेस्ट की टॉप फ्लोर टॉल ट्रीज और उनकी कैनोपी से, उनके क्राउन से कवर्ड है, तो जो जमीन का हिस्सा है उसे हम अंडर स्टोरी कहेंगे कि लोअर लेवल पे क्या है. आखिर एक ट्री टॉप और जमीन के बीच में भी तो कुछ होगा ना, उसके ट्रंक के अलावा, तो वो हिस्सा श्रब्स और हर्ब से कवर्ड रहता है, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज अंडर स्टोरी. अंकित. दुर्गेश. तो व्हाट इज द डायनामिक लिविंग एंटिटीज इन कैनोपी? डायनामिक लिविंग एंटिटीज, डायनामिक वर्ड का मतलब होता है दुर्गेश कोई ऐसी चीज जो मूविंग है, ठीक है. आप इससे ये तो कह नहीं सकते कि प्लांट्स मूव करते हैं, प्लांट्स तो स्टेशनरी होते हैं, ठीक है, बट इनका जो पूरा साइकिल है, लाइफ साइकिल, ये मूव करता रहता है लगातार. जैसे कि बोला था ना कि फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करते, बढ़ते जाते बढ़ते जाते, अगर उन्हें अनडिस्टर्ब हम छोड़ दें तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कि उनकी लीव्स गिरेंगी तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, उसको डिकम्पोजर्स पे डिकम्पोज करेंगे, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, इसी तरह से फ्रूट्स की सीड्स के साथ है वो जर्मिनेट करेंगी, ठीक है. सो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. जैसे अगर हम
खा रहे हैं पी रहे हैं तो हमारा शरीर बढ़ता रहेगा। वी आर फीडिंग आवर ब्रेन विथ मोर नॉलेज, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह से फॉरेस्ट को भी अगर आप छोड़ो तो वो खुद से बढ़ता रहे। इसी को कह देते हैं डायनामिक लिविंग एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अस्तित्व, ठीक है, कोई भी एग्जिस्टेंस, उसको आप एक सिंगल की बात करोगे तो एंटिटी कहते हैं। ठीक है, डायनामिक मतलब चलायमान हो गया, सॉरी, विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, लिविंग का मतलब जिसमें की जान है, प्राण है, डायनामिक लिविंग एंटिटी। अमित कुमार पाल। भाई भाई थोड़ा सा दूर कर दो। रूट सिस्टम, यस सर, वो पानी को होल्ड करते हैं। जैसे पानी सीव करने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है हमें वो यही है ना कि पानी एक जगह रुके तो पहले, है कि नहीं है सर? तो yes, sir. अगर पानी बहुत जोर से फ्लो कर गया सपोज करो ग्राउंड के ऊपर से, तो उसको सीपेज के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाए। बट अगर वो स्लोली मूविंग वाटर है तो क्या होगा, आराम से सीप करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ये जो रूट्स है ये क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को धीमा करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो उससे सीपेज के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। Are you getting it, Amit? Yes, sir. ठीक, शैलेश। Yes, sir. My question is, what is regeneration, sir? Shailesh, the answer to your question is that regeneration is when plant grow again and again. Generate. Okay, sir. Generate का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई चीज पैदा हो रही है और जब बार बार पैदा हो रही है, खुद से बढ़ रही है, तो उसको रीजनरेशन कहेंगे। सैलेश, बात समझ आई सैलेश? यस सर। ओके सैलेश, दुर्गेश फिर से आपने हाथ उठाया था। वॉटर डस्ट कम्स डाउन, द वॉटर डस्ट कम डाउन, बट एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखना दुर्गेश, कभी अगर बारिश शुरू हुई हो, आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, तो कुछ देर के लिए यू विल बी शील्डेड फ्रॉम द रेन, बट कुछ 10-15-20 मिनट बाद क्या होता है कि पेड़ के नीचे आप ज्यादा भीग जाओ, क्योंकि जैसे रेन वॉटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ये लीव्स पे इकट्ठा होके फिर जैसे आपके टैप से पानी आता है, ये पत्तियों से एक पूरी कंटिन्यूअस धार बना के गिरने लगता है पेड़ के नीचे। ठीक है, एंड ऑफन यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि बारिश रुक गई है बट पेड़ के नीचे बूंदे गिरती रहती है, और अगर गलती से हवा आ जाए तो और ऐसा होता है। बारिश में अक्सर हम लोग ये प्रैंक भी करते हैं कि अगर कोई छोटा ही पेड़ है उसके नीचे अगर कोई पहुंचा है, तब उस समय आपकी आदत होती है आप पेड़ हिला देते हो, कोई जो पेड़ के पास होता है, तो जो उसके नीचे खड़ा होता है वो भीग जाता है। ठीक है, तो वो पानी क्या होता है, वो लीव्स पे थोड़ा सा जमा होता है, एंड व्हेन इट गेट्स शेकन ड्यू टू विंड, या फिर जब वो एक लिमिट के बियॉन्ड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फिर वो नीचे गिर जाता है। बट हाँ, से फॉर द फर्स्ट 5-10 मिनट्स पानी एकदम से नीचे नहीं आता, मतलब रेन ड्रॉप्स डोंट डायरेक्टली कम एंड हिट द ग्राउंड। हाँ, क्या क्वेश्चन था अब तुम्हारा? नहीं आता है पानी नीचे आता है। ठीक है, सो आई होप दैट्स इट। थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, दिस विल बी प्रॉब्ली योर वर्कशीट, सो गिव मी 2 मिनट्स।